मैं बता रहा था कि आप जो है ना जितनी मुनासिब हो सके पैसे लें ताकि लोग भी आपको काम दें खुशी से और आप भी करें, अपनी गार्डनी बनाई अपने मोहल्ले में, दोस्त यार हैं आपका कोई करीबी अजीज है रिश्तेदार है उसको कोई परिंदा आप बतौर गिफ्ट बना के देते हैं कोई परिंदा या जानवर तो वो कि चले खुश हो जाएंगे। तो ये काम सिखाने का मकसद ये है, ये एक फन है, ये एक कारोबार है, रोजी है, इससे भी आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और जिसको दोस्त भाई को बहन को किसी को अगर शौक हो या समझ ना आ रही हो वो कमेंट्स में या मेरे नंबर पे रब्ता करके ना मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अगर करीब हैं पास हैं तो पास आकर आप सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस कोशिश किया करेंगे इसकी स्किन जितना सुकून से आप उतारें ताकि इसको कट वगैरह ना लगे। चलो मैं आगे से थोड़ी उतार के फिर आपको बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जी तो मैंने ये आते ऐसे इसको ना ये देखिए उतार दिए निकाल लिए क्योंकि हमें ये हिस्सा चाहिए ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं चाहिए। जैसे होता है ना वो अक्सर जो है ना अफसरान के या लोगों के घरों पे लगे होते हैं जानवरों के सिर और उसका आधा धड़ लगा होता है दीवार के साथ, ऐसे ही हम इसको क्योंकि हम इसको ज़ख्मी था या इसके पार वगैरह टूटे थे इसको फेंक तो नहीं सकते थे ना, हम जो है ना इसका ऐसे बना लेंगे, इसका चेहरा बना के ना उसकी जस्मिन करेंगे। और जहाँ से ये आप देखें नहीं होता ना वहाँ पे आप सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें ऐसे करें कि इसकी स्किन जो है ना उसको काट ना लगे। अगर खुदा खासा देखते कट लग भी गया उसको आप बाद में आराम से सिलाई भी कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा गोश्त साथ उतरता है तो उतने दे उसको आप ऐसे ना बाद में उतार सकते हैं उसको उनसे इस तरह, वो कोई मुश्किल नहीं। अगर आप लोगों को मेरा काम सिखाने का तरीका कार अच्छा लगे कि आप ये समझ लें कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छी है आप लोगों के हक के लिए बेहतर है, तो आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर आगे मेरी कोई भी आने वाली वीडियो हो भी लोग हो कुछ भी हो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और आपके सब्सक्राइब करने से ना हमारी हौसला अफजाई होती है, अगर आपको ये टैक्सी डर्मी बनाना सीखना है नहीं भी सीखना स्टफ करना तो फिर भी आप मेहरबानी कर देना सब्सक्राइब लाजमी कर दें चैनल में, जिससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी कि हम जो कोशिश कर रहे हैं यानी कि मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो देख के वीडियो को लाइक भी किया करें। अब ये देखिए ना यहाँ तक ये मैंने उतार दिए, ठीक है अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसको ना हम काट के ना यहाँ से जो हमें ऐसा चाहिए उसको अलग कर लेंगे, थोड़ा दूर से काटेंगे ताकि
अब हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ ये हमने बनानी है, सही है ये इतना, बाकी ये वाला हमने उतार दिया है। ठीक है, इसको साफ़ कर लेना है, बाकी कैसे साफ़ करना है क्या करना है मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ये आप देखे ना, ये चीज़ ऐसे बनी होगी ना ऐसे दीवार के साथ, तो ये कितनी डिफरेंट और खूबसूरत लगेगी, सही है। और इसी तरह इसकी बैग पे ऐसे इसकी दुम या कुशन हम लगा देंगे, ये चीज़ देख रहे ऐसे ये चीज़ हम बनाएंगे इसकी। ये अब आपके दिमाग पे, आप जैसे कोई परिंदा कोई चीज़ आपके पास आती है ना, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसको बता दें हाँ भाई आपने जो बनवाना है और इसके विंग्स खोल के बनाना है, इसको ऐसे बैठो बनाना, आप उसको कोई सैंपल को तस्वीरें वगैरह भी ना दिखा सकते हैं, जैसे वो कुछ कि आप मुझे ऐसे बना दें बस, वो फिर उस एंगल से आप उसको बनाएंगे, उसकी सारी मूवमेंट आप फिर उस तरीके से, जैसे भी आपको बताया अगर उसके विंग्स वगैरह खोल लिए तो जो तार होती है ना, जो वायर हम डालते हैं उसको फिर हम यहाँ से जब डालते हैं, ठीक है, तो ये अंदर अंदर से ना ऐसे यहाँ से अंदर अंदर से यो, फिर हमने यहाँ तक डालनी होती है, क्योंकि जब हम वायर को इसके अंदर से डालेंगे ना सारा, तो ये फिर सुकून के साथ ऐसे इसका पार भी खुल जाता है, फिर आप पार को ऐसे खोल के बना सकते हैं। अगर आपने पार को बंद करके बनाना है, मतलब बैठा हो ऐसे पार उसके बंद हो, ठीक है, फिर जो तार होती है ना उसको आपने इस हड्डी तक यहाँ तक डालना है, ये जो हड्डी होती है ना जो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, इस हड्डी तक डालना है, यहाँ से आगे नहीं डालना, यहाँ तक डालें कि फिर ये आपका पार आराम से ऐसे बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको टेप वगैरह लगा देंगे ऐसे यहाँ पे अपनी जगह सेट करके बैठा देंगे, दो चार दिन बाद ये इसका जिस्म यहीं पे आकड़ जाएगा, वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा, फिर आप टेप उतार दें। अगर आप तार पूरी डाल के इसको बैठाएँगे फिर वो सही तरीके से बैठेगा नहीं, समझ गए।